हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म जूडो, इस फिल्म की खास बात है कि इसे पूरे चाइना में बैन कर दिया गया था इसके अनकंफर्टेबल सेंसुअलिटी दृश्य के चलते। हाँ, फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे जिसे देख पाना काफ़ी व्यूअर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर फिल्म का सब्जेक्ट देखे तो फिल्म एक मास्टरपीस से कम नहीं है। फिल्म में अगर एक दो कमुकता वाले सीन्स आ जाए तो लोग पूरी फिल्म को जज कर देते हैं, लेकिन कोई भी उस कहानी की गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करता। शायद से लोग खुद वासना से भरे पड़े हैं, इसलिए उन्हें पूरी फिल्म में सिर्फ काम वासना के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे कई बार इस फिल्म ने भावुक भी किया और कई बार इसके दृश्य देखकर मैं भीतर से सहम भी गया। ये फिल्म उस वक्त ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी 20th सेंचुरी में रूरल चाइना से शुरू हुई। कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो अपने घोड़े को लेकर एक गांव की तरफ बढ़ रहा है। इसका नाम यांग है, जो कि एक लंबे सफ़र के बाद वापस लौट रहा है। महीनों पहले सिल्क बेचने निकला था, आज लौटकर आ रहा है। उस विलेज में उसके अंकल जिनशान की एक फैब्रिक डाई मिल है। यांग बचपन से यहीं रहा है। माता पिता के मरने के बाद के जिनशान ने उसे गोद ले लिया था। जिनशान ने पूछा, आने में इतनी देरी कैसे हो गई? यांग ने बताया, रास्ते में उसे डाकुओं ने पकड़ लिया था, जो थोड़े पैसे बचे हैं वही ले आया हूँ। उसके अंकल की डाई मिल में एक और मजदूर काम करता है, पर अब यांग लौट आया है तो वो उस मजदूर को काम से निकाल रहा है। जिनशान को अपने घोड़े से बहुत लगाव है। उसने देखा कि घोड़ा काफ़ी पतला हो चुका है। यांग ने सफाई देते हुए कहा कि सफ़र के दौरान उसने घोड़े का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। यांग ने मिल के चारों तरफ नज़र घुमाई, हर तरफ काफ़ी सजावट थी। उसके बाद यांग अपने कमरे में चला गया। उस मजदूर ने कहा, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आते तो जिनशान काम करवा कर मेरी जान ही ले लेता। डाई करते करते उसके हाथ बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब वो कल से चला जाएगा तो यांग को ही यहाँ का सारा काम देखना होगा। उस मजदूर ने बताया, तुम्हारा अंकल दूसरी पत्नी खरीद कर ले आया है। यांग को ये बात बाहर की सजावट देखकर ही पता चल गई थी। उस मजदूर ने बताया कि पत्नी का नाम जू डोऊ है, जो किसी अप्सरा से कम नहीं, उससे ज़्यादा खूबसूरत महिला उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। न जाने वो उसके अंकल जिनशान को कैसे मिल गई। यांग उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। यांग थोड़ी मोटी बुद्धि का मालूम पड़ता है। दिन भर मजदूरी करना, जो भी दो रोटी मिले खाकर सो जाना। ना तो उसे इस दुनिया के खेल में कोई रुचि और ना ही वो अपने अंकल की निजी ज़िंदगी में कोई ताक झाँक करता। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके अंकल ने पहले भी दो शादियाँ की थी, पर दोनों पत्नियाँ मर गई क्योंकि वो उन्हें दिन रात जानवरों की तरह पीटा करता था। जिनशान का कहना था, एक भी पत्नी उसे बच्चा नहीं दे पाई। जाते वक्त उस मजदूर ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ इस नर्क से निकलकर, और तुम यहाँ रहकर अपनी आंटी की चीखें सुनना। तुम्हें भी वही महसूस होगा जैसा कि मैं महसूस किया करता था। हम देखते हैं, देर रात एक चीख से यांग की नींद खुल गई। हो ना हो ये उसका अंकल होगा जो अपनी नई पत्नी को सता रहा है। उस मजदूर की कही बातें सच मालूम पड़ने लगी। ये चीखें उसे सोने नहीं दे रही। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी जिनशान की दो पत्नियाँ थीं, उनकी चीखें सुन तो वो कभी बेचैन नहीं हुआ, पर इस आवाज़ में एक अलग ही दर्द मालूम पड़ता है। यांग ने अभी तक जू डोऊ को देखा भी नहीं, फिर इतनी बेचैनी एक अनजान इंसान के लिए क्यों हो रही है? किसी तरह वो रात गुजरी। सुबह जब यांग घोड़ों को चारा डाल रहा था तो ठीक अस्तबल के पीछे ही स्नान घर से कोई आवाज़ आई। उसे पता चल गया कि ज़रूर ये उसके अंकल की पत्नी होगी। उसने भूसे को उठाकर एक तरफ रखा और उस दरार से स्नान घर में झांकने लगा। वहां जू डोऊ नहाने जा रही थी। तभी अचानक से घोड़े की आवाज़ ने यांग को डरा दिया, पर अभी तक वो चेहरा नहीं देख पाया। दिन रात वो वही मील में अपने अंकल के साथ काम करता। जिनशान की कोई औलाद नहीं, पर वो यांग को भी अपना बेटा नहीं मानता। उसके लिए तो बस वो यहाँ काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर है, इसलिए जिनशान उसे सारे मेहनत वाले काम करवाता। तभी उसने यांग से कहा कि जाकर अपनी आंट को बुला लाओ। यांग भागकर ऊपर कमरे में गया। जब उसने जू डोऊ को पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी जुबान एकदम से चुप हो गई, सब कुछ भूल गया हो जैसे। ऐसी खूबसूरती उसने आज से पहले कभी नहीं देखी। उस मजदूर की कही सारी बातें सच थी।
इस लड़की की उम्र तो उसके अंकल से काफ़ी कम है, यांग ने उसे नीचे आने को कहा। जब जिनशान थक जाता तो वो काफ़ी काम जू डोऊ से करवा लेता। उसी दिन मिल में एक शख्स अपने कपड़े लेने आया था। उसने जिनशान से कहा, तुम्हें यांग की शादी करवा देनी चाहिए। पर जिनशान ने साफ मना कर दिया कि एक अनाथ को मैंने गोद लिया, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना बेटा भी नहीं मानता, और वैसे भी इतनी मोटी बुद्धि का इंसान मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि जिनशान ने यांग को गोद जरूर लिया, पर दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं, उसके माता पिता दूर के रिश्तेदार थे। यहाँ जू डोऊ उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसे भी पता चल गया कि यांग जिनशान का भतीजा है, पर यांग की हालत देख तो उसे लगा था कि यांग यहाँ काम करने वाला कोई साधारण सा मजदूर है। उसी दिन काम करते वक्त यांग उसकी तरफ देखने लगा। जू डोऊ में एक खिंचाव सा था। उसकी चमक और उसकी मौजूदगी यांग के सारे अस्तित्व को रंगों से भर देती। जब जू डोऊ ने उसकी तरफ देखा तो यांग ने डर से अपनी नज़र फेर ली। वो भले ही जिनशान का भतीजा है, पर उसकी हैसियत यहाँ एक मजदूर से ज़्यादा और कुछ नहीं। शाम जिनशान काम ख़त्म करके चला गया, पर यांग अभी भी काम कर रहा है, लेकिन आज मन बेचैन है। इसकी वजह सिर्फ जू डोऊ थी, ये यांग अच्छी तरह से जानता है। रात हम देखते हैं जिनशान अपनी पत्नी को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है जिनशान इम्पोर्टेंट है, यानी नपुंसक। जब वो अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो वो अपनी पूरी शक्ति से उसे टॉर्चर करता, जिससे उसकी वासना पूरी तरह से शांत हो जाती। शायद इसी वजह से आज उसे एक भी औलाद नहीं। आज जू डोऊ की चीखें सुन यांग फिर सीढ़ियों के नीचे आकर खड़ा हो गया, पर उसकी हिम्मत नहीं कि वो ऊपर जाकर अपने अंकल को रोक पाए। इससे ज़्यादा बेबस उसने खुद को कभी नहीं महसूस किया। दर्द बढ़ता रहा, चीखें और तेज होने लगी। रात भर वो वहीं सीढ़ियों के नीचे बैठ चीखें सुनता रहा। जू डोऊ सुबह कपड़े लेकर घर से बाहर निकली। रात भर टॉर्चर झेलने के बाद सुबह वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। यहाँ हम देखते हैं यांग उसके इंतज़ार में भूसा घर में छिपकर बैठा है, कि जब जू डोऊ स्नान घर में आए और यांग उसे छिपकर देख सके, उसने उस लकड़ी में एक छोटा सा छेद बना दिया ताकि उस पार की हरकत उसे साफ साफ दिखाई दे सके। यहाँ यांग की हमदर्दी वासना का रूप ले रही थी। तभी जू डोऊ अस्तबल में घोड़ों को चारा डालने आ गई और वहाँ उसने यांग को बैठा देखा। दोनों एक दूसरे को देख डर गए। उसे इस तरह से बैठा देख जू डोऊ को थोड़ा अजीब लगा। यांग वहाँ से चला गया। जू डोऊ ने वहाँ लकड़ी में एक छेद देखा। जब उसने छेद से उस पार देखा तो उसे सारा मामला समझ आ गया। वो काफ़ी डर भी गई। वो रोने लगी और अपने शरीर को हाथों से छिपाने लगी कि क्या कोई शरीर के पार उसके मन को नहीं देख पाता? क्यों हर किसी की वासना बस इस जिस्म पर आकर रुक जाती है? क्या किसी भी पुरुष में वो निर्दोष भाव नहीं जो उसके मन की गहराई को नाप सके? ऐसे तमाम सवाल मन में उठने लगे। हम देखते हैं दूसरे दिन यांग फिर से सिल्क बेचने गांव से बाहर जा रहा है। शायद अब वो महीनों बाद ही लौटेगा। उसकी इच्छा नहीं हो रही जाने की। जाने से पहले वो अस्तबल घोड़े को लेने आया। उसने देखा जू डोऊ उस छेद को भूसे से ढक रही है, पर यांग को देखते ही वो रुक गई और वो वहाँ से घोड़ा लेकर चला गया। हम देखते हैं महीनों बीत गए। एक दिन जब जू डोऊ बाहर थी तो उसने यांग को आते देखा। वो अपने सफ़र से लौट आया था। दोनों एक दूसरे को देख खुश हुए। जू डोऊ के हाथ और चेहरे पर काफ़ी चोट के निशान थे। यांग को सारी बात पता थी, फिर भी उसने पूछ लिया कि ये चोट कैसे आई। जू डोऊ ने बताया कि वो गिर गई थी। सच तो यांग को भी पता था, पर वो जाहिर नहीं कर पा रहा। बातचीत के दौरान उसने एक भी बार जू डोऊ का नाम नहीं लिया। उसे वो आंट कहकर ही बुलाता ताकि जू डोऊ के सम्मान को कोई ठेस ना पहुँचे। सफ़र में यांग का शरीर और भी सिकुड़ गया था। पहाड़ी रास्तों का सफ़र, ऊपर से खाने पीने का कोई ठीक वक्त नहीं। जू डोऊ उससे कुछ कह तो नहीं पाई, पर उसके बहते आंसू सारी आपबीती सुना रहे थे। काश ये सूरज कभी न ढलता, क्योंकि हर रात उसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे निगल रही है। यांग को भी महसूस हुआ कि जिनशान की जी हुजूरी करते करते उसका मन पत्थर की तरह बिल्कुल कठोर हो चुका है। काश उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता कि वो जू डोऊ के गमों को मिटा पाता। यांग से ज़्यादा कायर और कमज़ोर इंसान इस पूरे गांव में क्या, इस पूरी दुनिया में नहीं होगा।
आज रात एक जोर की चीख के साथ यांग की नींद खुल गई। वो भागता हुआ आया। उसने वहीं पड़ा हसिया उठाया और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। दो सीढ़ियां चढ़ी कि उसे अपनी औकात का पता चला। वो फिर नीचे उतर गया और गुस्से में सीढ़ी पर उस हसिये से वार किया। ऊपर से जिनशान की आवाज़ आई कि वहाँ कौन है। यांग ने कहा, ऊपर से आवाज़ें आ रही थी इसलिए आ गया। जिनशान ने कहा, सब ठीक है यहाँ। उसने उस सीढ़ी से हसिया निकाला और वहाँ से चला गया। उसने हार मान ली कि वो जूडो के लिए कुछ नहीं कर सकता। सुबह जब जूडो उतर रही थी तो उसने सीढ़ी पर निशान देखा। उसे पता चल गया कि रात यांग यहाँ आया था। शायद यांग उसके दर्द से वाकिफ है। आज जब वो नहाने गई तो सबसे पहले उसने उस छेद को भूसे से ढक दिया, पर ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया कि उसने उन्हें फिर हटा दिया। वो भी चाहती थी कि यांग उसे देखे। वैसे भी ये शरीर एक दिन मिट ही जाएगा। अगर ये शरीर किसी की आत्मा को तृप्त करता हो तो वो सही। वो स्नान घर में गई। यहाँ यांग उस छेद से झांकने लगा। जूडो ने अपनी आंखें बंद कर अपने कपड़े उतारे। उसके आंसू बता रहे थे कि वो कितनी पीड़ा में है। उसके शरीर का एक एक जख्म उसके साथ हुए अत्याचारों की गवाही दे रहा था। उसे रोता देख यांग को भी काफ़ी तकलीफ हुई कि वो किस शरीर को पाने चला है। यहाँ तो बस शरीर ही है, आत्मा तो कब की मर चुकी है। दूसरे दिन दोनों मिल में काम कर रहे थे। जूडो उसे देख रोने लगी। उसने बताया, आज नहीं तो कल उसके अंकल उसे मार डालेंगे। वो हर रात इस तरह से सीढ़ियों पर न आया करे। कुछ दिन का खेल और है, फिर उसकी कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये ज़िंदगी एक बोझ के सिवा और कुछ नहीं। एक जानवर भी अपने शिकार को इस तरह से नहीं तड़ पाता। यहाँ यांग के पास शब्द नहीं, वो अपने काम में लग गया। शाम हम देखते हैं, जिनशान का घोड़ा बीमार हो चुका है। उसने कहा, कल सुबह ही मैं इसे इलाज के लिए दूसरे गांव ले जाऊंगा। सुबह वो कुछ लोगों को लेकर दूसरे गांव निकल गया और लौटने तक उसने मील की सारी जिम्मेदारी यांग को सौंप दी। हम देखते हैं, दोपहर यांग खाना खा रहा था। उसने कहा, आप मुझे सुबह जल्दी जगा देना, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि जिनशान के जाने के बाद घर की मालकिन जूडो ही है। पर जूडो ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, जब दिल करे तब काम करना। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। उसे उम्मीद थी कि यांग उसकी खबर लेने ज़रूर आएगा, पर वो सीढ़ियों से आकर वापस लौट गया। रात जूडो उसके कमरे के बाहर गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पर यांग का दरवाज़ा भीतर से बंद था। सुबह जब दोनों मील में काम कर रहे थे तो जूडो उसके पास आई। यांग कुछ समझ नहीं पाया। जैसे जैसे जूडो उसके करीब आने लगी, यांग के हाथ पैर कांपने लगे। आज से पहले वो किसी स्त्री के इतने निकट नहीं आया था। वहाँ दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और वहाँ दोनों के बीच एक संबंध निर्मित हुआ। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं, जिनशान ने जूडो की जांच करने के लिए एक वैद्य को घर बुलाया है। उसने जाँच कर बताया कि जूडो प्रेग्नेंट है और इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है। ये सुन जिनशान काफ़ी खुश हुआ। आखिरकार उसे अपना वंश बढ़ाने के लिए संतान मिल ही गया। पर उसे इस बात की खबर ही नहीं कि वो एक इम्पोर्टेंट है जो कभी बाप नहीं बन सकता। यहाँ हमें पता चला कि ये बच्चा यांग का है। जूडो और यांग दोनों इस बात को जानते हैं। दोनों अपने बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थे, पर वो साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे हुए थे कि इस राज का पता किसी को ना लगे। जब भी वक्त मिलता वो जूडो से आकर मिल लेता। कुछ दिनों बाद जूडो ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिनशान भागता हुआ ऊपर गया, पर यांग इतना मजबूर था कि वो अपने बच्चे को देख भी नहीं सकता। उन्होंने बच्चे का नाम टिनबई रख दिया। हम देखते हैं, कुछ दिनों बाद यांग ने लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी टिनबई के लिए बना ली है, जिससे वो बड़ा होने पर खेलेगा। जिनशान भी खुश था क्योंकि उसे लगता है कि टिनबई उसकी ही संतान है। दूसरे दिन जिनशान किसी काम से अपने गधे को लेकर बाहर चले गया। यांग को बस इसी मौके की तलाश रहती। वो तुरंत ही अपने बच्चे और जूडो से मिलने उसके कमरे में चला गया। दूसरे दिन जब वो एक साथ कमरे में थे तो उन्होंने बाहर से कोई आवाज़ सुनी। दोनों डर गए। यांग तुरंत बाहर गया। उसने देखा दरवाज़ा खुला है और वहाँ जिनशान का गधा भी है। यांग समझ गया कि उसके अंकल ने उन्हें एक साथ देख लिया है। वो उसे ढूंढने निकल गया। एक जगह झाड़ियों में जिनशान उसे बेहोश मिला। उसने घर पर वैद्य को बुलाया। उस वैद्य ने बताया कि उसे पैरालिसिस हो गया है।
जिस वजह से उसके कमर के नीचे का हिस्सा अब काम नहीं करेगा। इसका पता लगने पर यांग और जू डोउ अपने भविष्य के सपने सजाने लगे। वहाँ जिनशान ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो किसी से इस बात को बता भी नहीं सकता, वरना सारे गांव में उसकी बदनामी होगी और उसकी नपुंसकता का भी पता सभी को चल जाएगा। दूसरे दिन जब जिनशान अपने कमरे में सो रहा था तो जू डोउ वहाँ नहीं थी, वो यांग के कमरे में थी। उनकी आवाज़ें जिनशान को सुनाई दे रही थी। वो बेड से नीचे गिर गया और ज़मीन पर घिसटने लगा। जब जू डोउ कमरे में आई तो उसने उसे गिराकर उसके बाल पकड़ लिए। वो उसे जान से मार देना चाहता है। जू डोउ ने खुद को किसी तरह उससे छुड़ाया और उस पर चिल्लाई कि उसका आधा शरीर अपाहिज हो गया, पर उसकी अकड़ वही की वही है। उसकी इस हालत पर वो हंसने लगी और उसने उसके सामने जाहिर भी कर दिया कि ये बच्चा यांग का है और इस बात के लिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनशान बस उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। हम देखते हैं मिल में काम करते वक्त यांग और जू डोउ अपने बच्चे के साथ भी वक्त बिता लेते थे। एक दिन जब दोनों मिल में काम कर रहे थे तो उनका बच्चा घर में अकेला था। जिनशान ने उनके बच्चों को मारने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा। वहाँ यांग ने आकर जिनशान का गला दबाना शुरू कर दिया। जू डोउ ने भी कहा कि आज इस जानवर का अंत कर दो, पर यांग ने उसे छोड़ दिया। एक अपाहिज इंसान को इस तरह से मारना कायरता होगी, पर उसने जिनशान को धमकी दी, अगर वो दोबारा से उसके परिवार के करीब आया तो वो उसे जान से मार देगा। यहाँ हम देखते हैं कि वक्त कितना बलवान है। समय का पहिया घुमा और उसने जिनशान को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ एक वक्त पहले जू डोउ थी। एक रात जब जू डोउ अपने बच्चे के साथ कमरे में सो रही थी तो जिनशान धीरे से अपनी बेड से उतरा और सीढ़ियों से घिसटते हुए नीचे आ गया। उसके बाद उसने काफ़ी कपड़ों को इकट्ठा कर वहीं सीढ़ियों पर रख आग लगा दिया ताकि जू डोउ और उसका बच्चा मारा जाए। पर वक्त रहते ही यांग ने पानी डालकर आग को बुझा दिया। यांग को समझ आ गया अगर ये इसी तरह खुला रहा तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता रहेगा। उसकी इस हरकत से जू डोउ और खुश हुई क्योंकि वो ऐसा करके अपने लिए ही तकलीफ बढ़ा रहा है। अब वो जिनशान को एक बैरल में रखने लगे थे, एक लकड़ी का ड्रम जिसमें उसका आधा शरीर ड्रम के अंदर होता। जिनशान पूरी तरह से पावरलेस हो चुका था। उसे पता था समाज जू डोउ की बेवफाई कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम देखते हैं इतना कुछ होने के बाद भी यांग उसकी अच्छी देखभाल करता, उसे नदी पर नहलाने ले जाता, जो कुछ भी हुआ हो, पर जिनशान के लिए उसके दिल में इज्जत आज भी उतनी ही है। शाम खाना खाते वक्त जिनशान काफ़ी सोच में था। ये देख जू डोउ को उस पर दया आ गई। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने गई लेकिन उसने खाना जू डोउ के मुँह पर थूक दिया। यांग ने ले जाकर उसे फिर उसी बैरल में बांध कर लटका दिया। जिनशान अपनी इस किस्मत पर रोने लगा। शायद से ये उसके कर्मों का ही फल है जो उसने अपनी पिछली दो पत्नियों के साथ किया था। हम देखते हैं वक्त बीत गया। अब टिनबई थोड़ा बड़ा हो चुका है पर वो कुछ बोलता नहीं। इस बात की चिंता हमेशा जू डोउ को रहती। यांग ने उसे समझाया आज नहीं तो कल वो ज़रूर बोलेगा क्योंकि अभी उसकी उम्र बहुत कम है। लेकिन यांग को इस बात का दुख है कि टिनबई उसे कभी पिता के रूप में स्वीकार करेगा भी या नहीं। जू डोउ ने कहा आज नहीं तो कल उसे सच का पता चल जाएगा और वो यांग को पिता जरूर स्वीकार कर लेगा। हम देखते हैं टिनबई घर पर अकेला था और वो डायर के पास खेलने लगा। जिनशान भी वहीं मौजूद था। उसने सोचा टिनबई को आज इसमें धक्का देकर उसका किस्सा ही ख़त्म कर दे, पर टिनबई ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और जिनशान को पिता कहकर बुलाया। ये सुन जिनशान काफ़ी खुश हुआ कि टिनबई उसे ही पिता मानता है। उसी वक्त वहाँ जू डोउ और यांग आ गए। जिनशान ने दोनों की तरफ इशारा कर बताया कि वो तुम्हारी माँ है और यांग तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुन यांग को काफ़ी दुख हुआ। जिनशान को पता था वो इस तरह तो उनसे बदला नहीं ले सकता, तो उसने अब साइकोलॉजिकल ढंग से बदला लेने की सोची। दूसरे दिन घर में जिनशान ने एक छोटी सी दावत रखी थी। वहाँ कई लोग इकट्ठा हुए थे। रिवाज के मुताबिक टिनबई के भाई को शराब का एक घूंट पीना होता है। वहाँ जिनशान के फोर्स करने पर उसने शराब का घूंट पी लिया और खुद को टिनबई का भाई स्वीकार कर लिया। इस बात से यांग को काफ़ी दुख हुआ पर जिनशान काफ़ी खुश था। दूसरे दिन यांग ने जू डोउ के पास जहर की बोतल देखी। यहाँ यांग समझ गया कि वो कुछ गलत करने के विचार में है। जू डोउ ने कहा वो ये सब और नहीं झेल सकती,
यांग ने कहा, वो अपने अंकल को किसी कीमत पर नहीं मार सकता। इस बात से जू डोउ काफ़ी नाराज़ हुई, पर यांग ने उसे समझाया, किसी की मौत इस मसले का हल नहीं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आई। जब जू डोउ बाहर आई तो टिनबई उनके दरवाजे पर पत्थर मार रहा था। शायद वो सारी बातों को जानता है। गुस्से में जू डोउ ने टिनबई को थप्पड़ मारा। ना जाने वो ऐसा क्यों हो गया है। ये सब कुछ सिर्फ जिनशान की वजह से हो रहा था। एक दिन जू डोउ और यांग बाहर थे और यहाँ घर पर सिर्फ टिनबई और जिनशान ही थे। हम देखते हैं घर पर टिनबई उसकी लकड़ी में रस्सी बांधकर खींचा करता था, पर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे जिनशान डाइवैट में गिर गया और पानी में वो तड़पने लगा। ये देख टिनबई हंसने लगा। कुछ ही देर में जिनशान की मौत हो गई। टिनबई उसे खड़ा देखता रहा और मुस्कुराता रहा। तभी वहाँ जू डोउ आ गई। उसे ये देख यकीन नहीं हुआ, शायद ये आज नहीं तो कल ये होना ही था। शाम जब यांग घर आया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे जिनशान के मरने से बहुत दुख हुआ। वो मौत का जिम्मेदार जू डोउ को ठहराने लगा, क्योंकि दो दिन पहले उसने ही उसके अंकल के मरने की बात की थी। पर जू डोउ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। पर जिनशान के मरने का जू डोउ को कोई दुख नहीं, क्योंकि इतने सालों तक वो जिनशान के अत्याचारों को सहती रही। जब उसने यांग को अपने अंकल का वफादार कहा तो गुस्से में यांग ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। बाद में यांग को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। टिनबई भी वहीं खड़ा उनकी बातों को सुन रहा था। दूसरे दिन हम देखते हैं गांव के सरपंच ने सभी को बुलाया, क्योंकि कल जिनशान का फ्यूनरल है, कुछ फैसले करने थे। वहां काफ़ी लोगों ने कहा कि यांग और उसकी आंट के बीच नाजायज संबंध है। सरपंच ने फैसला सुनाया कि ट्रेडिशन के हिसाब से जू डोउ दूसरी शादी नहीं कर सकती और कल फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद यांग को मील हमेशा के लिए छोड़ना होगा। दूसरे दिन जिनशान को अंतिम विदाई दी गई। यहाँ दोनों दुखी थे कि आज के बाद वो कभी नहीं मिल पाएंगे। वो अपने रिश्ते के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि यांग खुद को गांव वालों के सामने टिनबई का भाई स्वीकार कर चुका है। हम देखते हैं काफ़ी साल बीत गए। यांग मील पर आया, दरवाज़ा ठोकने पर किसी बड़े लड़के ने दरवाज़ा खोला। ये टिनबई है। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग अक्सर यहाँ सबसे छिपकर जू डोउ को मिलने आता है, पर टिनबई यांग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे यांग और जू डोउ के रिश्ते की खबर थी। दोनों मील में भी एक दूसरे से छिपकर मिलते। कई बार तो टिनबई उन्हें साथ देख लेता, पर यांग उसके सामने जू डोउ को आंट ही कहकर बुलाता। टिनबई काफ़ी गुस्से वाला है, वो किसी से बात भी नहीं करता, ना तो जू डोउ से और ना ही यांग से। यहाँ वो एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते थे, क्योंकि टिनबई हर वक्त मील में ही होता। मरने के बाद भी जिनशान का कर्ज उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मरते मरते वो दोनों को हमेशा के लिए अलग कर गया। विलेज के बाहर एक जगह थी जहाँ दोनों छिपकर अक्सर मिला करते थे। जू डोउ को समझ नहीं आता कि और ना जाने कब तक ये चलता रहेगा। गाँव में लोग भी उनके रिश्ते की बातें किया करते हैं। यहाँ हम देखते हैं गांव के कुछ लोग जू डोउ और यांग के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त वहां टिनबई आ गया और उसने हाथ में हसिया लेकर एक शख्स को दौड़ा लिया, पर वो शख्स वहां से भाग निकला। अगर वो आज टिनबई के हाथ लग जाता तो वो उसकी हत्या कर देता। जब वो घर पहुंचा तो यांग वहां काम कर रहा था। उसने टिनबई के हाथों से खून बहते हुए देखा। पूछने पर टिनबई ने यांग के मुँह पर लात मार दी, जिससे यांग के नाक से खून बहने लगा। ये देख जू डोउ रोने लगी और गुस्से में टिनबई पर चिल्लाने लगी कि यांग ही उसका असली पिता है और उसे ये स्वीकार करना ही होगा। पर यांग ने जू डोउ पर चिल्लाकर उसे शांत करा दिया। वो नहीं चाहता था कि टिनबई के दिमाग पर इसका गलत असर पड़े। शाम जब यांग उसके घर से जाने लगा तो उसने दरवाजे पर टिनबई को मुड़ कर देखा, लेकिन अब टिनबई के मन में उसके लिए और नफरत बढ़ गई थी। उसने यांग को धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दो दिन बाद यांग फिर मील में आया। टिनबई बाहर गया हुआ था। यहाँ दोनों को एहसास हुआ कि दोनों बूढ़े हो रहे हैं और ज़िंदगी के सारे खूबसूरत पल इसी तरह हाथों से निकल जाएंगे। दोनों ने थोड़ा वक्त एक साथ बिताने का सोचा। मील में ही एक अंडरग्राउंड सेलर था। दोनों उसके भीतर चले गए और अपने पुराने दिनों को याद करने लगे कि किस तरह वो जू डोउ से पहली बार मिला था। काश वो दोनों उन्हीं दिनों को दोबारा से जी पाते। उस सेलर में एयर सप्लाई की कमी थी, इसलिए दोनों गहरी नींद में चले गए। थोड़ी देर बाद टिनबई मील में आया।
उसने हर जगह जू डो को ढूंढा। जब वो नहीं मिली तो वो सेलर में गया। वहाँ दोनों गहरी नींद में थे। टिनबई अपनी माँ को कंधे पर उठाकर कमरे में ले आया। उसे अब भी होश नहीं। उसके बाद वो यांग के पास गया और उसे उठाकर ले आया और उसे डाइवैट में फेंक दिया। यांग छटपटाने लगा क्योंकि उसका शरीर ऑक्सीजन के कमी की वजह से पूरी तरह एक्टिव नहीं था। वो निकलने की कोशिश करने लगा। टिनबई ने जाकर एक डंडा उठा लिया। ये देख जू डो चिल्लाने लगी, पर वो चलने की हालत में नहीं थी। वो सीढ़ियों से घिसटती हुई आने लगी। इतने में टिनबई ने यांग के सर पर जोर का मारा और उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। जू डो चिल्लाती रही। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं जू डो ने पूरे मील को आग लगा दी, क्योंकि जिसके साथ घर बसाना था वो तो रहा ही नहीं, और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, इसकी कहानी एक नोवेल पर बेस्ड है। नोवेल के अनुसार यांग जिनशान का बायोलॉजिकल भतीजा था, और ये पूरी कहानी ताबू रिलेशनशिप के आसपास घूमती है। पर फिल्म के निर्माता ने इस कहानी से इंसेस्टुअस एलिमेंट को हटा दिया। इस फिल्म में यांग और जिनशान को अनरिलेटेड बाय ब्लड दिखाया गया है। दोनों में कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं था। जू डो ने इस फिल्म में यांग से तब अपने संबंध स्थापित किए जब उसे पता चला कि यांग और जिनशान के बीच कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। और जू डो जिस तरह रोज़ प्रताड़ित की जा रही थी, ऐसे वक्त में यांग ने उसे सहारा दिया। शायद से जू डो मर जाती, पर जिनशान को संतान कभी नहीं दे पाती क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट था। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। शायद से जिस वक्त ये फिल्म बनी थी उस वक्त लोग ऐसे सब्जेक्ट के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड नहीं थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।